अपनी सिटी में आ गया है गॉडज़िला जो कर रहा है चारों तरफ तबाही। आगे क्या होगा? आज की ब्रेकिंग न्यूज, अपने शहर में आ गया है गॉडज़िला और जो शहर की तरफ बढ़ रहा है और वो पानी से प्रकट हुआ है और वो शहर पर तबाही मचाने वाला है। आगे क्या होगा? अरे भाई, टीवी पर ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? ये तो अपनी सिटी में आ जाएगा, अब हमें लगता है उसका सहारा लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अपने शहर को बचाने के लिए अपने जंगलों में, शहर के जंगलों में आ चुका है किंग कॉन्ग, जो अपनी रक्षा उस गॉडज़िला मॉन्स्टर से करे। मुझे ज्यादा डरने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि अपने शहर को बचाने के लिए किंग कॉन्ग पहले से ही शहर पर है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि पुलिस वालों ने गॉडज़िला को हराने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ सबसे पहले पुलिस स्टेशन और वहां जाकर देखते हैं कि पुलिस वालों ने क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं, कौन कौन से हथियार से वो लोग गॉडज़िला को मारेंगे और कौन कौन से उन्होंने गाड़ियां मंगवा रखी हैं। तो जल्दी से मैं चलता हूँ पुलिस स्टेशन। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके गाइस, तो अभी हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं और भाई साहब, पुलिस स्टेशन पहुंचते इतनी सारी टैंक, ये टैंक पुलिस वालों ने मंगवा लिए हैं। भाई साहब, इन्होंने भी बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है गॉडज़िला को हराने के लिए। और अभी हम लोग अंदर चलकर देखते हो, बहुत सारे लोग बैठे हुए पहले से ही, वो अपनी प्रॉब्लम लेकर आएंगे। उन्होंने भी गॉडज़िला को हराने के लिए बोला है कि भाई पुलिस हमारी मदद करो क्योंकि गॉडज़िला अपने शहर पर अटैक करने वाला है। तो ये लोग भी अपनी रिपोर्ट लिखाने आए हैं, तो मैं इन सबसे बात कर लेता हूँ। और ये भी मुझसे यही कह रहे हैं कि भाई गॉडज़िला अपने शहर पर कभी भी हमला कर सकता है, तो हम लोग को पुलिस का सहारा ना लेकर खुद ही कुछ करना चाहिए। तो मुझे भी ये लगता है कि हाँ यार, हम लोग को पुलिस की सपोर्ट ना करके खुद कुछ करना चाहिए। तो हम लोग कर क्या सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गॉडज़िला के पास और उसे देखते हैं कि वो इस शहर में किस जगह पर है, कहाँ पर आ गया है, क्योंकि अगर हम लोग ने उसे नहीं देखा तो वो किसी भी वक्त इस शहर में आ जाएगा और इस पूरे सिटी को ख़त्म कर सकता है। वो बहुत ताकतवर है, बहुत भयंकर डायनासोर है, वो सबसे खतरनाक वाला। इसलिए हम लोग को सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो इस टाइम पे सिटी में किस जगह पर है। तो हम लोग सबसे पहले गॉडज़िला के पास ही चलते हैं और देखते हैं कि ये सब है कहाँ पे। लेकिन गॉडज़िला को हम ढूंढेंगे कैसे? लेकिन हाँ, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं सुबह न्यूज देख रहा था तो मैंने सुना था कि वो पानी से निकला हुआ, तो शायद वो पानी के ही आसपास होगा। तो हम लोग को सबसे पहले बीच पर ढूंढने की ट्राई करनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले बीच की तरफ ही चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ गॉडज़िला है या नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं बाहर, कि गॉडज़िला अभी बीच से बस बाहर ही निकला है और वो सिटी से काफ़ी दूर है। आप देख सकते हैं कि सिटी वहाँ है, उस साइड है, और गॉडज़िला हमारे जस्ट अपोजिट, हमारे सामने खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि वो अभी दूर है, लेकिन वो किसी भी वक्त इस सिटी के अंदर आ सकता है। और आप एक बार इसे देख लीजिए गॉडज़िला को, कि ये देखने में कितना बड़ा है, सच में आप देख सकते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले किंग कॉन्ग के पास जाना होगा जुरासिक पार्क में, क्योंकि किंग कॉन्ग जुरासिक पार्क में ही है, और उसे ये बताना पड़ेगा कि गॉडज़िला अपने सिटी में आ गया है। और सबसे पहले हम लोग को किंग कॉन्ग को भी मनाना पड़ेगा क्योंकि वो हमें नहीं जानता, वो शायद हम पे अटैक भी कर सकता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जुरासिक पार्क जाएंगे और वहाँ पर हम किंग कॉन्ग से कहेंगे कि प्लीज़ वो हमारी मदद करे, क्योंकि नहीं तो गॉडज़िला हमारी सिटी को ख़त्म कर देगा। ओके गाइस, तो अभी हम लोग जुरासिक पार्क के अंदर आ चुके हैं और अब हम लोग का जो मिशन है वो होगा कि हम लोग को किंग कॉन्ग को ढूंढना है, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है, ये जंगल सच में बहुत बड़ा है। तो जल्दी से हम लोग किंग कॉन्ग को ढूंढ लेते हैं। फाइनली बहुत देर ढूंढने के बाद किंग कॉन्ग हम लोग को मिल गया है और वो हमें नहीं पहचान पा रहा था और उसने हमारे ऊपर हमला भी किया। लेकिन हम लोग ने जब उसको अपनी परेशानी बताई कि, और हमने उसे ये बताया कि गॉडज़िला ने हमारी सिटी पर अटैक कर दिया है, तो फिर वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया और उसने बोला कि बताओ मेरे को कहाँ चलना है। तो हमने उसे लोकेशन बता दी है और हमने उससे कह दिया है कि हम लोग के वो पीछे आए क्योंकि गॉडज़िला सिटी में आ गया है। तो हम लोग जल्दी से यहाँ से कार उठाकर चलते हैं गॉडज़िला के पास, क्योंकि गॉडज़िला अगर सिटी में घुस गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग फाइनली बीच पर आ चुके हैं लेकिन गॉडज़िला हम लोग को नहीं दिख रहा है। भाई कहीं वो सिटी के अंदर चला तो नहीं गया? तो हम लोग को सिटी की तरफ भी जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा भाई गॉडज़िला कहाँ है, क्योंकि अगर वो सिटी की तरफ चला गया तो वो पूरी सिटी को तबाह कर देगा और बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा। अरे ये क्या, ये गॉडज़िला तो सिटी के बहुत अंदर आ चुका है यार, अब क्या होगा? और अपना किंग कॉन्ग कहाँ है यार? तो जल्दी से मैं किंग कॉन्ग को भी बुला लेता हूँ यार, उसने बहुत देर कर दी है। तो जल्दी से किंग कॉन्ग को मैं बुला लेता हूँ। तो अपना किंग कॉन्ग भी भागते हुए आ रहा है और वो बड़ी तेजी से भागते हुए आ रहा है, शायद वो बहुत गुस्से में लग रहा है। और फाइनली ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं और अब ये देखना होगा कि इन दोनों के बीच में जीतेगा कौन, क्या अपनी सिटी सही सलामत रह पाएगी। और किंग कॉन्ग सच में बहुत गुस्से में लग रहा है, तो कौन जीतेगा ये मैं आपको
अभी नहीं बता सकता, मैं बस ये बता सकता हूँ कि इसके लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना, और आप लोग ज़रूर ये कमेंट करके बता देना कि गॉडज़िला विन करेगा या अपना किंग कॉन्ग जीतेगा। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ले आऊँगा। एक बार कमेंट भी कर देना कि आपको पार्ट 2 में किसकी जीत चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो किंग कॉन्ग ही जीतना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाकी लव यू ऑल।